चला दोनों गाड़ियां हैं। अरे रे If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूले। वहाँ सांबर की call हुई है। दिखा था किसी को ये वाला? सुबह से call ही हो रही है। Video भेजी तो मेरी भेजी उसने। कहाँ भेजनी है देगा वो? लग रहा देगा? वो तो बता ही नहीं रहा कोई। मैंने कहा setting ही। तुम सांबर के वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं? सांबर की call एक तो काफी अच्छी मानी जाती है। प्लस ये तो खा रहा है। ये सुबह से ऐसे ही है, लोग जो खड़े हैं बता रहे हैं। सुबह से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, तो ये तो बाहर आना मुश्किल है जब तक खा रहा है ना, तो वहाँ चांस लेते हैं। ये जो एलिफेंट्स वगैरह पालतू हैं इनके, जो पेट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं ना, ये वो वाले हैं। कि सामने आगे आपकी कैंटीन जो मिड पॉइंट आता है, तो उनके लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर भी सारी गाड़ियाँ अभी अंदर ही हैं और इनको रोकी गाड़ी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी यार, यहाँ पे चाय मैगी के लिए तो आए नहीं है ना, वो तो बाहर भी कर सकते हैं। तो अभी पहले जो टाइम है अपना, जहाँ कॉल चल रही है वहाँ चलेंगे, बाद में आएंगे इधर। पूरी झुमरी थी सो गई है, सो गया झुमरी थी। जंगल के बीच में कॉफी फिर है, जंगल वाली चाय। अबे कॉफी है हाँ। कांच के गिलास भी लेने पड़ेंगे, कांच के गिलास का अलग मजा है ना। अरे नहीं आ एकदम सोनो भाई लेकर आए हैं घर से, भाभी जी ने भेजी है कॉफी, बहुत बढ़िया थी पिछली बारी, बहुत अच्छी थी मेरे को याद है ना। अरे भाई अरे क्या कॉफी है यार। देखो किस टाइम पे आए हैं अंदर, यहाँ पर जब सब लोग जा रहे हैं उस टाइम कुछ नहीं आई है। देखो लोगों को ये चाहिए होता है पिकनिक टाइप मनाया जाए, वही पिकनिक टाइप मनाने आते हैं लोग आते, जिनको उससे मतलब नहीं टाइगर के मूवमेंट क्या है क्या है नहीं है, यहाँ आओ चाय मैगी चाहिए और मज़े करके वापस चले जाना है। ये है भाई जिरना FRH, यहाँ पर आप रुक सकते हो। क्या कर रहे हैं भाई? हाँ हो रहे हैं तो यार। अरे सुनो भाई, ये अगर से बुक करना है FRH, ये भी आप करा देते हो ना? हाँ, ऑनलाइन होता सर, दो ऑनलाइन दो ऑफलाइन। अच्छा दो ऑनलाइन है दो ऑफलाइन। अभी आप यहीं पे थे ना? अभी यहीं था, मतलब एक डेढ़ हफ्ते पहले सोनू भाई यहीं पे ही थे। कितने? अच्छा बस दो, यही चार ही रूम्स हैं इधर? चार रूम है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे आज तक वैसे रुका नहीं हूँ कभी, बट कभी रुकेंगे। और ये वाला ऐसा FRH है, कहते हैं कि यहाँ से अंदर भी कई बार आते हैं, पगमार्क लगे होते हैं यहाँ पे कई बार टाइगर के। पहले होता था लेकिन जब से ये फेंसिंग नई लगा दी है उसके बाद से तो देखने को नहीं मिला, लेकिन बीच में यहाँ पे अंदर टस्कर आ गया था। एक टस्कर अंदर आ गया? अच्छा वो उनके चक्कर में आ गया होगा। हाँ फीमेल के चक्कर में, यहाँ पे जो पालतू बांधी हुई है। हाँ अभी चार पाँच दिन पहले मैं जब स्टे में रुका था तो हाथी यहाँ बहुत पास तक आ गया था। वो तो खतरे वाला बात हो जाती है ना अंदर हाथी अगर आ जाए। निकले टाइगर लेपर्ड भी आ सकता है, उसके लिए क्या है जंप करके आ सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी है तो शोर शराबा रहता है, तो इसलिए वो बारी बार निकल जाता है, अवॉइड करता है। और बाकी सोनू भाई अभी ये भी खुल गया है ना अपना ढिकाला का, अपना ग्रासलैंड? ढिकाला ग्रासलैंड खुल गया है 5-6 दिन पहले। क्या बात है। और मेल की साइटिंग हो रही है वहाँ पे अच्छी। वो सही है अभी वो जो मेल वहाँ का? हाँ ठीक है, वो तो खाली वैसे ही अफवाह फैला रखी थी कि मैनेटर हो गया, लेकिन ऐसा तो अभी तो नॉर्मल ही है, लोग अच्छे से साइटिंग कर रहे हैं। ये होगी ना बात। अब आजकल तो ये हो रहा है कि जो ढिकाला नहीं जा रहा है एक तरह से मिस ही कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे माहौल है
पेड़ वाली के बच्चे, पार वाली के बच्चे, ग्रासलैंड खुल गया। बुकिंग करना भी तो बहुत टफ हो जा रहा है, एक से दो मिनट में सारा सोल्ड आउट। अच्छा हाँ, ये चीज़ ना मुझे सबको बतानी भी है कि जैसे कई बार आपको बुकिंग नहीं मिल रही होती ना टिकाला की, तो ऑफलाइन के जो होती है ना बुकिंग, उसमें सोनू भाई भी आप ये नहीं सोच सकते कि ज़्यादा चार्ज लेने की, उनको भी आगे इतनी सारी जगह होती हैं जहाँ पे उसके हिसाब से फिर देना पड़ता है, तभी आपका ऑफलाइन में बुकिंग हो पाती है। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं है कि जो अगर इन्होंने आपको कुछ कोट कराया तो उसमें वो ये अपनी तरफ से मांग रहे हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको अगर चाहिए। भाई देखो, ऑनलाइन में आपको फिर भी कम पड़ता है, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन में कराना है तो थोड़ा सा तो उसमें फिर ज़्यादा पड़ ही जाता है। बट देन डिकाला है तो डिकाला है, वो तो कॉर्बेट का हार्ट है, तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो इस टाइम पे भाई ज़रूर जाना है। और मैं सोच रहा था कि हम भी सरदुली रुके ना एक दिन चल के। हाँ, कि वहाँ पर डॉर्मेट्री मिल जाएगी बढ़िया? डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, रूम देखेंगे, अगर ऑनलाइन रूम मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो डॉर्मेट्री बेस्ट है। सबसे अच्छी डॉर्मेट्री सरदुली की है, लेकिन गैरल की डॉर्मेट्री में बस ये है कि उसमें वॉशरूम और टॉयलेट अंदर ही बने हुए हैं। अच्छा। सरदुली वाली में बाहर है। हाँ। ढिकाला वाली में तो बहुत ही ज्यादा बाहर है। ढिकाला वाली में तो और वो तो है भी उस तरफ जहाँ पे वो बंदे को मारा था टाइगर। हाँ, उस तरफ को ही है बाहर, पिछले वाले गेट की तरफ। रात को किसी को जाना हो, लड़के के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, रूम से बाहर निकल गई, लेकिन लेडीज के लिए समस्या है रात को वॉशरूम जाने की। लेकिन सरदुली की डॉर्मेट्री अगर तीन लोग हैं तो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल, सस्ती की सस्ती भी है और ढिकाला से पास भी है। हाँ। वहाँ से ढिकाला पहुँचने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, 20-25 मिनट में आप ढिकाला पहुँच जाते हो। और बीच का जो मूवमेंट है ढिकाला से सरदुली के बीच का, उसमें भी कई बार साइटिंग हो जाती है, नए टाइगर दिख जाते हैं, क्योंकि अच्छा दिख जाते हैं वहाँ पर अभी ऐसे। हाँ, बहुत अच्छे टाइगर दिख जाते हैं। वाह, क्योंकि ढिकाला में तो हमें वही टाइगर दिखते हैं जैसे ग्रासलैंड वाला है, फीमेल है, उस टेरिटरी में जो भी है वही अपना रिपीट होते रहते हैं, ऐसा नहीं नए टाइगर नहीं दिखेगा। और सरदुली और ये जो पहले वाले एरिया पड़ते हैं गैरल वाले में, इसमें वापसी में कई बार नए टाइगर दिखने के चांस मिल जाते हैं। अब होता है कि नए टाइगर दिखेगा, अब हर बार जो भी फोटोग्राफर जाता है वो पेड़ वाली, पार वाली, ग्रासलैंड वाले मेल, तो नए टाइगर बहुत कम लोगों को ही दिख पाते हैं। सही बात है। तो ये है कि भाई अब मैं खुद भी जब सरदुली जाने वाला रुकने के लिए, तो यार अगर आपको चाहिए कि ढिकाला नहीं मिल रहा तो डॉर्मेट्री में रुक जाओ, सरदुली की सस्ता ही पड़ेगा। सरदुली या गैरल दोनों ही बेस्ट। हाँ, मतलब कहीं पर भी जहाँ आपको मिल जाए डॉर्मेट्री, तो सोनू भाई से बात कर लेना, जैसे हमेशा बोलता हूँ नंबर है, एक बार नंबर अपना बता ही दो आप यहीं पर ऐसे। नंबर 9528737996। ठीक है, तो वैसे ही बता दी, क्योंकि कई बार होता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई नंबर आपने उनका बताया नहीं, जब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलता हूँ है, लेकिन फिर भी पूछते हैं, तो मैंने कहा चलो आप ही खुद ही अपने मुंह से बता दिया। अगर लड़के लड़के हैं तो उनके लिए डॉर्मेट्री बेस्ट है, लेकिन फैमिली में क्या है कि अगर 7-8 लोग हैं तो आप गैरल की डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, और नहीं तो फैमिली के हस्बैंड और वाइफ हैं तो उनके लिए तो फिर रूम ही लेना पड़ेगा, या फिर सरदुली की पूरी डॉर्मेट्री बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डॉर्मेट्री में रुकेंगे और लोग भी उसमें आते हैं तो कम्फर्टेबल नहीं रहेगा। और दो लोगों के लिए बुकिंग करना भी इजी रहता है, ज़्यादा लोगों के लिए तो यह रूम मिलना टफ रहता है, क्योंकि 102 मिनट में सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम लोग आप जैसे रूम के लिए ट्राई करवाते हैं, या आप लोग हमारे साथ ट्राई कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी इजी रहेगा बुकिंग करना रूम की। बिल्कुल, और अगर टाइम पे बता दोगे प्लान बन जाए तो बेस्ट। 1-1.5 महीने आपने जैसे बता दिया कि हम दो लोग हैं, असल में होता है कि अभी मैंने बीच में भी एक बुकिंग की, दो लोग आ रहे थे, 2 से वो 4 हुए, 4 से 6 हुए, तो जो मेन थे उनकी तो बुकिंग नहीं हो पाई, जो सबसे लास्ट वाले थे उनकी बुकिंग हो गई। तो ये जो डॉर्मेट्री, इसका क्या चार्जेस रहते हैं? डॉर्मेट्री का लगभग 3000 रुपये खर्चा आ जाता है एक बंदे का। अच्छा, आप दो लोग हैं तो आप 6000 रुपये मान के चलिए एक नाइट का, दो नाइट होगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें खाना वाना इंक्लूड होता है? खाना इंक्लूड नहीं होता, खाना और गाइड का हम देते भी नहीं है, वो तो आपके हिसाब से, जैसे गेस्ट ने खाना खाया तो वो पे कर दिया, गाइड साथ में गया तो पे कर दिया, लेकिन गाइड कंपलसरी होता है। गाइड अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं है तो उसका फिर कोई पे नहीं करना होता। बिल्कुल, और सोनू भाई भी मैंने वो भी देखा था कि जो हम लास्ट टाइम फाटो गए थे तो वहाँ नए रूम्स बन रहे थे, वो बन गए हैं ना शायद? रूम सारे रेडी हो गए। तो कितने रूम्स हैं वहाँ पर? वहाँ पे 10 रूम नए बने हैं, अभी एक ट्री हाउस और बन रहा है, तो ट्री हाउस बनने में शायद 2-3 महीने लग जाएगा, तो नए सीजन से ही शायद वो ओपन होगा। बिल्कुल, और अभी जो गर्मियाँ आ रही हैं तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, गर्मियों में फाटो की बुकिंग करा लेना, फाटो में साइटिंग बम्पर होती है गर्मियों की, क्योंकि वाटर होल बहुत सारे हैं ना, तो उसमें मिल ही जाता है टाइगर, तो इस बार गर्मी में हम भी फिर करेंगे फाटो। हाँ, गर्मी में हम चलते हैं। हमने वैसे प्लान बनाया है, ढिकाला जिन्होंने नाम सुना वो ढिकाला ही बोलते हैं कि ढिकाला ही जाना है, फाटो में कुछ नहीं है, ढिकाला एक बार देखना है,
लेकिन एक बार जो फाट हो जाएगा वो दोबारा फिर इधर उधर की उम्मीद नहीं करेगा, वो फाट हो ही जाएगा। फाटो का FRH एक्चुअली बहुत अच्छा है, और अभी तो वो रूम जो वाटर होल के उधर बन गया है तो ऊपर से वही मूवमेंट दिख जाती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब पूरा टाइम ही रहने वाला है। कमरे से ही टाइगर देख लो, कमरे से ही टाइगर देख लो, ये वाला सीन है। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि अगली बार ना थोड़ा गर्मियाँ आ जाएंगी तो फाटो और डिगाला का साथ में थोड़ा ऐसा बनाया जाए सीन, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट कर लेना सोनू भाई को। तो अभी एक जिप्सी वाले गए थे, अभी उन्होंने बताया कि टाइगर इसी एरिया में है, उनको ग्राउल सुनाई दी है अभी, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा ना सर्कल करके देख रहे हैं। तो कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए तो। अगर देखोगे ना धूप हो चुकी है, अब पूरा सन बाहर है, तो अब टाइगर अगर दिखेगा तो यूजुअली मूवमेंट में नहीं दिखता है, ऐसे लेटा हुआ कहीं दिखेगा छाया में आराम करता हुआ। तो कोशिश करेंगे कि अगर झाड़ियों में कहीं दिख जाए। काफ़ी सारे हिरन दिखने लग गए हैं, एकदम भाग रहे हैं, सामने भी खड़ा है, गाड़ियां भी खड़ी हैं उधर। यहाँ से डियर दौड़ के गई यार, अभी एकदम से बोलती भी चिल्लाते हुए, मतलब पौन घंटे से ज़्यादा हो गया, ये निशान मिट गए होंगे, बहुत तेज़ भागती है निशान लेने। जामुन वाला वो इधर भी ज़्यादा क्रॉस कर देगा, ये ऊपर नीचे ना एक ही एरिया में ज़्यादा दिख भी चाह रहे हैं। पैर पटक रहे क्या? नहीं नहीं वहीं पे डेला भी वेट करते हैं। क्या मस्त लग रहा है सांबर डियर यार, सामने खड़ा हुआ सांबर देखने में मज़ा आ जाता है, अलग ही बड़े बड़े होते हैं ना एकदम। हमारे को देख रहे हैं कि लोग जाएं तो मैं खाना शुरू करूँ वापस। तपस्या कर रहा है, क्या बात है। बच्चा लटक गया उसके हाथ से ही। बहुत प्यारा शॉट है। अभी ऐसे ही दूध पी रहे हैं। अरे वाह, ये बाबूराव का स्टाइल है। बाबूराव का स्टाइल है। मैं बच्चा इसे इतनी देर से वो कर रहा था कि भाई बैठ, दूध पीना है। ब्यूटीफुल, क्या बात है यार, मजा आता देख के, कुछ करते रहते हैं ना। माँ का प्यार है, बाबू तो मारते हैं। कह रहे माँ का प्यार है, बाबू तो मारता के सोते टाइम उठा दिया। मजेदार बात है ये, अभी तक हमारे को देख ही रहे, इसीलिए सांबर है। इसको जंगल का गधा भी कहते हैं वैसे। पूंछ भी थोड़ी उठा रहा है फिर। लग रहा है क्या है? स्पॉटेड डियर भी निकल रहा है पीछे से ही। तो ये वाला टाइम होता है जिसमें आप ये वाले सारे जानवर देख सकते हो। पता है सुबह वाला टाइम टाइगर को दे दो, कई बार लोग होते हैं शुरू से आके ना फिर रुके रहते हैं, उतने में टाइगर निकल जाता है। बढ़िया, मजा आता है इन एक्टिविटीज देख के। बहुत सोनू भाई को पगमग दिख गए एकदम पुराने हैं, तो पुराने ही है तो काफी।
किसी टाइम पे जा सकते थे ऊपर, अब तो अलाउड नहीं है। ये कैसे हट टाइप भी कैसे बनी हुई थी ऊपर? ये वही है मचान। मचान मुझे मचान ऊपर तो ऐसे हट तो नहीं देखी मैंने कभी ऐसे, जैसे ऊपर उन्होंने कमरा सा बना रखा था ना छोटा सा। हाँ ये नाइट पेट्रोलिंग के लिए होता है ना, यूपी का बॉर्डर लगता है। अच्छा पेट्रोलिंग वालों की है ये सिर्फ? देखो पानी की टंकी भी है यहाँ भी, गांव होता था पहले सब। ये देखो ऊपर वल्चर्स हैं कितनी सारी। अच्छा बता रहे 94 में रिलोकेट हुआ, ये गाँव था पहले बताओ, और अब हिरन घूम रहे हैं इधर। वल्चर्स इतनी छोटी थी ना, यहाँ नेस्टिंग करती हैं वल्चर्स इनमें रॉक्स पे, इसके अंदर भी खड़ी जैसे चट्टाने हैं ना, ये वो सामने बैठी है। क्या नाम बताया था इसका? ब्लू टेल बीटर। ब्लू टेल बीटर बहुत सुंदर है यार, ये भी उड़ने वाली है। चलो ब्यूटी पूरा हर्ड का हर्ड भागा सामने से, यहाँ पानी पीने आए हुए थे इधर। बंदर मजे से जमीन पे चल रहा है अभी तो। जय यार बढ़िया है, पानी देख के ऐसा नहीं लग रहा हम ही घुस जाए उसमें। गर्मी हो गई है। गर्मी हो गई है और मैं तो जैकेट वैकेट उतार चुका हूँ, इन लोगों ने जैकेट ही नहीं उतारी अभी तो। उतारूंगी तो टैन हो जाओगी, मैंने कहा चल 10 मिनट की और बात है पहने, और मैंने गर्मी से बचने के लिए हुड पहना। ब्यूटीफुल। अरे बोगनवेलिया, ये भी इंडिकेशन कि यहाँ गांव था। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ना ऐसे बोगनवेलिया ना ऐसे आपको नॉर्मल जंगल में नहीं मिल जाएगा लगा हुआ, ये किसी ने लगाया होगा गाँव के टाइम पे ना, तभी ये पेड़ अभी तक चल रहे हैं दोनों, जो पिंक है बीच में एकदम। अभी जो टाइग्रेस आप देख रहे हैं ये है झिरना जोन की फेमस टाइग्रेस 4 नंबर, जिसने अभी कुछ दिन पहले जिप्सीज के सामने ही किल किया था, और उनमें एक जिप्सी माइल चेजर्स की भी थी। मैं तब व्लॉग तो नहीं बना रहा था, मगर वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं? मुझे पता है टाइगर हूँ वहाँ पे, जबरदस्ती डाल रहा है। दोनों गाड़ियाँ हैं। अरे अरे ये एक स्पेशल साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर टाइग्रेस हंट के मूड में थी ही नहीं, मगर ये स्पॉटेड डियर बाय चांस इसके सामने आ गया। फिर क्या था, सामने आया इजी शिकार को उसने कहाँ छोड़ना था। रोड पर आ जाएगी है ना।
पीछे से निकलेगी। तो हम जिरना से बाहर आ रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि जो सामने ढेला वाली रोड आएगी ना, मेन रोड, वहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ से मेल टाइगर क्रॉस करता है दिन में, तो वहाँ चल के चांस लेंगे हम। ये है भाई वो रोड। बार बोल रहा है कॉन्स्टेंट, अगर दो चार बार बोला है अभी। ये दूर है सांबर की, अंदर कहीं ढेला भी मूवमेंट कर रहे होंगे ना टाइगर। और ये रोड की जहाँ पे ढेला का FRH है, और ये हम आगे बाहर आखिरी गाड़ी है जो हमारी बाहर निकली हुई। सोनू भाई जो है थोड़ी ज़्यादा सवारी करा देते हैं, 4 घंटे टाइप की सवारी रहती है हमारी, बाकी लोग कब के बाहर जा चुके। देखो बाहर भी कोई नहीं है गेट के। चलो वापस आ गए, इतनी गाड़ी बढ़िया। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो सुनो भाई, थैंक यू, फ्री रहोगे तो बता देना मुझे, चल देंगे। चलो वो बात करते हैं फिर अभी।